हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर करने वाली हूँ आम का पन्ना। गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा होता है, तो ये मैंने ले लिया है कच्चा आम चार। इसको रखेंगे गैस पे, दो विसल आने देंगे। तो कुकर मैंने गैस पे रख दिया है, तो दो विसल तक के लिए इसको पकाना है। दो विसल आ चुकी है, तो अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। तो चेक कर लेते हैं इसे, और देखिए अच्छे से कुक हो चुका है इसका। देखिए इस आम का कवर भी निकल चुका है, तो इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। तो ये कच्चा आम बॉयल हो चुका है, देखिए इसका कवर भी निकल गया है। तो इसके कवर को निकाल लेना है एक एक करके, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देखिए इसका कवर निकल गया है, तो ये है ना इसका कवर में ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, इसको भी चम्मच की मदद से बाहर निकालेंगे। थोड़े थोड़े है ना, तो इसको बाहर निकाल लेना है। मैंने कवर में से ये निकाल लिया है इसका जो गुदा होता है, और ये अब गुठली है, गुठली में से भी ऐसे से चम्मच की मदद से आसानी से निकल जाता है। तो बस इसी तरह से निकाल लेना है। तो गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छा होता है इसको, इसका पन्ना पीने से लू वगैरह नहीं लगती, क्योंकि काफ़ी धूप होती है और गर्म हवा चलती है बाहर। तो ये रेगुलर आप एक गिलास अगर पीते हैं तो समझ लीजिए आपको लू लग ही नहीं सकती है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये। और ज़्यादातर ये क्या है कि ज़्यादातर क्या 99% ये गर्मियों के सीज़न में ही यूज़ होता है। तो गर्मी आ चुकी है, तो क्यों ना फिर ऐसी चीज़ खाई जाए जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे। और ज़्यादातर वैसे भी मसाले वगैरह नहीं खाना चाहिए गर्मियों के मौसम में, जूस वगैरह ही अच्छा रहता है। तो बस इसी तरह से सबको निकाल लेना है। ये देखिए इतना निकल गया है। तो अब इसको क्या करना है हमें, हमें इसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडर में डाल देंगे, ब्लेंडर जार में। तो इसको अच्छे से करेंगे ब्लेंड। तो ब्लेंडर में डाल दिया, उसमें डालेंगे एक गिलास जैसा पानी, ठंडा पानी, फिर कर लेंगे इसको ब्लेंड। ये ब्लेंड हो चुका है, एकदम स्मूथ ब्लेंड करना था। आप इसको चाहे तो आप छान लें, इसको छानना बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेशा वगैरह है वो हेल्दी होता है। तो मैं बिना छाने इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो ये गुड़ का पन्ना बनके रेडी हो चुका है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।